हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वक्त हमने क्या करना है, बिटवाइज ऑपरेटर को प्रॉपरली डिस्कस करने के बाद इसको कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करना है। तो यहाँ पर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझ लेते हैं, देन उसके बाद इसको कोडिंग में देखते हैं। अब देखें, बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बेसिक आपका बाइनरी नंबर्स के ऊपर वर्किंग करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से बाइनरी नंबर देंगे, इसका मतलब ये है कि आप अपने नंबर्स तो हेक्साडेसिमल में ही रखेंगे, लेकिन वो उसको खुद से बाइनरी में कन्वर्ट करके सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड देन जो भी आंसर आएगा उसको वापस से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके आपको आंसर स्क्रीन पे शो करेगा। मतलब सारी की सारी प्रोसेसिंग बैक एंड पे जो हो रही होगी वो होगी बाइनरी के अंदर, और जो फ्रंट एंड में आपको नज़र आएगा वो होगा हेक्साडेसिमल के अंदर। होपफुली आपको हेक्साडेसिमल पता होगा किसे कहते हैं। हेक्साडेसिमल वो सारे नंबर्स होते हैं जो 10 से लेके 16 एंड अप टू देन जितने चल रहे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल कहते हैं। और अगर हम लोग बाइनरी की बात करते हैं, बाइनरी का मतलब होता है 0101, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। मतलब ये जो मशीन लैंग्वेज होती है 0101, इससे हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी लैंग्वेज। और जो अपने 60, 13, 15, 12, 10 इस तरीके से जो लिखते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, हम लोग हेक्साडेसिमल। ओके, सो तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैंने एक ए वेरिएबल लिया है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर किया 60। इसी तरीके से एक बी वेरिएबल लिया, उसकी जो वैल्यू मैंने ली है वो है 13। इन दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू के बराबर में मैंने इन दोनों का कन्वर्जन लिख दिया। इससे वैसे अभी हमें तो कोई गर्ज नहीं है, लेकिन ये जब कंप्यूटर के अंदर खुद से सॉल्व हो रहा होगा तो उस टाइम पे जो आपका पीसी है, मतलब आपकी जो जावा लैंग्वेज है, वो इन तमाम 60 और 13 की वैल्यू को खुद से कन्वर्ट करके इन वैल्यू में कन्वर्ट करेगी। ये आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अभी मैंने आपको समझाने के लिए ये जस्ट लिख दिया। तो अब चेक करते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर है कौन कौन से। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है एंड ऑपरेटर, सेकेंड है और ऑपरेटर, थर्ड है कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ है लेफ्ट शिफ्ट, एंड द लास्ट वन इज राइट शिफ्ट। वन बाय वन इसको अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो किस तरीके से होगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपका फर्स्ट वन क्या है, एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब क्या होता है, जब आप बाइनरी के अंदर अपने कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं तो एंड जो आपका काम करता है वो काम करता है मल्टीप्लाई का। अब इससे क्या मतलब है कि जब भी आपका आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा तो आंसर आपको क्या होगा, 0 मिलेगा, राइट। इसी तरीके से जब भी आंसर आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि हम लोग बाइनरी के अंदर चल रहे हैं। इसी बिहाफ पे अगर मेरा आंसर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब मेरी कैलकुलेशन 0 मल्टीप्लाई बाय 0 होगी तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से अगर मेरा जो भी वैल्यू है वो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, तब भी 0 मिलेगा। इन शॉर्ट कि कोई भी वैल्यू जब भी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो एंड के ऑपरेटर की वजह से उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है? अब चलते हैं और ऑपरेटर के अंदर। और का मतलब होता है एडिशन, प्लस करना, ठीक है। नाउ अगर मैं 1 को 0 के साथ ऐड करूंगा तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। इसी बिहाफ पे अगर मैं 1 को 1 के साथ ऐड करूंगा तो इसका आंसर होगा 1, इसका आंसर 2 नहीं होगा, बाइनरी के अंदर हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। सेकंड, जब आप इसके बाद 0+0 करेंगे, ऑब्वियसली हम सबको पता है 0+0=0। और लास्ट वन 0+1 जब हम लोग करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये हो गया आपका और ऑपरेटर, मतलब एडिशन। अब बारी आती है कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इसको कन्वर्ट कर देना। अगर आपका 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट करना, 0 है तो 1 में कन्वर्ट करना। लेट सपोज अगर आपके पास पहले से एक नंबर है जो है 1, और इसका अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट कर दूँ, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास पहले से नंबर है 0 और जो कॉम्प्लीमेंट है हो के जो आंसर आएगा वो होगा आपका 1। तो मतलब 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे, इस तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंट काम में आएगा। लेफ्ट शिफ्ट,
लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है अभी फिल वक्त आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को ज़रा कंसीडर करना है कि ये मैंने लिख दी यहाँ पर, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट आपका क्या काम करेगा, जब भी आप अपने लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर कोडिंग के अंदर रखेंगे तो वो आपसे एक चीज़ पूछेगा, वो पूछेगा आपको कितनी वैल्यू शिफ्ट करनी है। तो उस टाइम पे, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हम लोग बताएंगे कि हमें 2 वैल्यू शिफ्ट करनी है, 3 डिजिट शिफ्ट करने हैं, 4 डिजिट शिफ्ट करने हैं, और उसके बिहाफ पे वो जीरोस को शिफ्ट करना शुरू करेगा। लेट सपोज अभी अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि मुझे 2 वैल्यू शिफ्ट करनी है, तो वो क्या करेगा, ये जो 2 जीरोस राइट साइड पे हैं इसको हटा करके कहाँ पर ले आएगा, इस साइड पे ले आएगा। या इन शॉर्ट अगर मैं इसको आसान वे में बताऊं तो आपके पास क्या हो जाएगा, हर एक एक वैल्यू लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये जो ज़ीरो है वो हटकर इस ज़ीरो पे आ जाएगा, देन ये वाला जो ज़ीरो है वो इस वाले 1 को रिप्लेस करके यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन उसके बाद ये यहाँ पे जो 1 था वो उस वाले रिप्लेस करके यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट डबल 1 है वो 2 1 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। समझ में आई? सेम इसी बिहाफ पे अगर आपको राइट शिफ्ट करना है तो राइट शिफ्ट किस तरीके से होगा कि लेट सपोज अभी मेरे पास ये वैल्यू है, तो मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। जब हम लोग ये ऑपरेटर राइट शिफ्ट का रखेंगे वो अगेन सेम यही बात पूछेगा कि आपको कितने वेरिएबल शिफ्ट करने हैं। लेट सपोज इस टाइम पर मुझे 4 वेरिएबल शिफ्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाऊँगा, मतलब ये वाले जीरोज़ को कन्वर्ट करके कहाँ पर लेके आऊँगा, इस वाले साइड पर लेके आऊँगा, राइट साइड पे। तो जब आपके पास जीरोस राइट साइड पे कन्वर्ट होंगे तो जो जीरोस आपके यहाँ पर लिखे हुए थे वो रिप्लेस हो जाएंगे, और हटने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट में ज़ीरो ही आएगा, और जो पहले इसकी जहाँ पे ज़ीरो थे अब वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जो पुरानी वैल्यू थी अब वो इरेज हो गई, और इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पर आ गए न्यू ज़ीरोस। समझ में आई बात? तो अब इसको देखते हैं ज़रा कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिए हैं, ए की वैल्यू 60 है एंड बी की वैल्यू 13 है। ए का आपका ऑब्वियस ही बात है सारा काम, क्योंकि अभी किस में चलना है, हेक्साडेसिमल में चलना है, तो बाइनरी का तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने जस्ट ऐसे ही फॉर द नॉलेज बीइंग आपके लिए यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, आपका एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। तो मैंने एक वेरिएबल लेना है जिसका नाम है एंड, और एंड के ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लाई कराने के लिए ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। अब मल्टीप्लाई में आप मल्टीप्लाई का ये वाला साइन ना रखें, एंड का साइन रखें, ये वाला साइन, ठीक है। देन उसके बाद क्या करें, इस वाली चीज़ को इस तरीके से प्रिंट कर दें, यहाँ पर एंड लिख देते हैं और यहाँ पर इसको कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बारी आती है और की, और के लिए अब आप क्या यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स टू ए और ये वाला ऑपरेटर यूज़ होगा आपका और के लिए, एकदम सीधा जो आपकी स्टिक है डंडे की तरह, दैट इज़ ए और बी, दैट्स फनी। आगे चलते हैं, अब इस वाली चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा ओ आर, राइट। देन इसी बिहाफ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीजर रखेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आएगा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया कॉम्प्लीमेंट का। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 to 1 एंड 1 to 0 सिर्फ कन्वर्ट करना। तो मुझे यहाँ पर 2 वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पर एक लूँगा कॉम्प्लीमेंट और इसके साथ लिख लूँगा कोई भी एक वेरिएबल, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी बिहाफ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लेफ्ट शिफ्ट, तो यहाँ पर आ गया लेफ्ट, यहाँ पर आ गया शिफ्ट इक्वल्स टू, अब मैंने क्या बोला था आपसे कि आप जब लेफ्ट शिफ्ट देंगे, मतलब मैंने यहाँ पर ए दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, लेफ्ट शिफ्ट दे दिया। अब वो आपसे ये पूछेगा कि इसके अंदर कितनी शिफ्टिंग करनी है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पर क्या रख लेता हूँ, 2 शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग कह देंगे लेफ्ट शिफ्ट, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, जो वेरिएबल है उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे।
सेम इसी पे आप यहाँ पर ले लेते हैं एंड, राइट शिफ्ट और ए इज राइट शिफ्ट, और यहाँ पर वैल्यू कितनी दे देते हैं, 4 दे देते हैं, और यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी या कि यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे राइट शिफ्ट और यहाँ पर इसकी वैल्यू को कंकेटेनेट कर देंगे। देन ये कॉन्केटेनेट हो गया, सारी वैल्यूज हमने रख ली, सारे ऑपरेटर यहाँ पर यूज हो गए। अब चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो नाउ अब देखें सारी चीज़ें किस में हो रही हैं, हेक्साडेसिमल में हो रही है, लेकिन जो बैक एंड कोड चल रहा है वो किस में चल रहा है, बाइनरी में चल रहा है। तो मैंने वैसे ही सारे आंसर पहले ही इसके वेरीफाई कर लिए हैं, तो अगर आपको वेरीफिकेशन करनी है तो आप अपना खुद से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो मेन चीज़ यहाँ पर मौजूद है वो सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने थे, और वो कॉन्सेप्ट बेसिक क्या थे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सारे ये थे जो अभी मैंने यहाँ पर यूज़ किए। तो एंड का आपका क्या हुआ, मल्टीप्लाई, और आपका किस लिए यूज़ हुआ, एडिशन के लिए, ये वाला साइन है कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 इज़ चेंज इनटू 0 एंड 0 विल बी चेंज इनटू 1, ये साइन आपका लेफ्ट शिफ्ट, ये साइन आपका राइट शिफ्ट। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द बिट वाइज ऑपरेटर। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।